Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. मैं शिषपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं. आज मैं वीडियो 7 लेके आया हूं. समरी ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस. दिस इज एक्ट 2 सीन 8 एंड 9. लेट्स बिगिन नाउ. द 8th सीन ओपन्स इन ए स्ट्रीट of Venice, where Antonio's two friends Solanio and Salarino are talking about Bassanio. Act 2, scene 8 और 9 में जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो ये आठवां सीन शुरू होता है एक गली में वेनिस की, जहाँ पे एंटोनियो के दो मित्र सोलानियो और सालारिनो बसानियो के बारे में बातें कर रहे हैं. We come to know from them that Bassanio and Graciano have left for Belmont in a ship. हमें ये बात पता चलती है कि Bassanio और Graciano Belmont के लिए एक जहाज में बैठ के चल पड़े हैं, रवाना हो गए हैं. Solanio tells Salarino that Shylock has come to know that his daughter has eloped with Lorenzo, taking a lot of valuables like diamond and ducats. Solanio Salarino को ये बताता है कि Shylock को इस बात का पता चल चुका है कि उसकी बेटी Lorenzo के साथ भाग गई है और अपने साथ ढेर सारा कीमती सामान जैसे diamond हो गए, ducats हो गए लेके चली गई. After that he appeared to the Duke of Venice to search Bassanio's ship. इसके पश्चात उसने गुहार लगाई है Duke of Venice के पास. ड्यूक के कोर्ट में जाके उसने रिक्वेस्ट डाली है कि वो Bassanio के जहाज, जिस जहाज में Bassanio बैठ के बेलमोंट जाने वाला है या चल पड़ा है, तो उसकी तलाशी ली जाए. बट इट वॉज टू लेट बिकॉज द शिप हैड ऑलरेडी लेफ्ट द शोर. परंतु अब देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज समुद्री किनारा छोड़ के चला गया था. Antonio assures that the Duke that Shylock's daughter Jessica was not in the ship. उधर Antonio Duke को assure करता है, विश्वास दिलाता है कि Shylock की बेटी Jessica उसके उस जहाज में नहीं है जिसमें Bassanio Belmont गया. Solanio tells Salarino that he had never seen such disturbed a man as Shylock was at that time. और Solanio Salarino को ये भी बताता है कि उसने आज तक किसी भी व्यक्ति को इतना परेशान नहीं देखा जितना कि Shylock को देखा. He was also seen crying in the street uttering. गलियों में पागलों की तरह घूम रहा है और चीख रहा है. Oh my daughter, oh my ducats, oh my daughter, fled with a Christian, oh my ducats, justice, the law, my ducats and my daughter. इस तरह की चीख पुकार कर रहा है कि मेरी बेटी भाग गई और मुझे मेरे ड्यूकेट्स ले गई, मेरा कीमती सामान ले गई और क्रिश्चियन के साथ मेरे ड्यूकेट्स, जस्टिस, न्याय चाहिए मुझे, कानून कहाँ है, माय ड्यूकेट्स माय डॉटर. इस तरह से वो बातें करता हुआ गलियों में भटक रहा है. Shylock keeps on crying like that and demands for justice. इस तरह से Shylock चीख पुकार कर रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है. After that both of them show their concern for Antonio's ship. फिर इसके पश्चात दोनों मित्र Solanio और Salarino Antonio के जहाजों के प्रति अपना concern show करते हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते हैं. They pray to God that Antonio's ships be safe. भगवान से प्रार्थना करते हैं कि Antonio के जहाज सुरक्षित रहें. Salarino also appreciates Antonio's goodness of heart. Salarino Antonio के दिल की अच्छाई की प्रशंसा करता है कि Antonio का दिल कितना साफ है, कितना नेक है. He says that Antonio had bidden farewell to Bassanio by advising him not to think of the contract he had made with Shylock on the loan. जब Antonio Bassanio को अलविदा कर रहा था जहाज में बिठा के, तो उसे सलाह दे रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचे जो उसने Shylock के साथ किया है, उसकी चिंता ना करे, बल्कि उसे फोकस करना चाहिए. Rather he should focus on his love for Portia, अपने Portia के प्रति प्यार के ऊपर उसे केंद्रित करना चाहिए अपना ध्यान. His eyes were full of tears at that time. He had turned his face so that Bassanio could not see tears in his eyes. उसकी आंखों में आंसू थे उस समय जब वो Bassanio को अलविदा कह रहा था, और जब उसकी आंखें आंसुओं से भर गई तो उसने अपना चेहरा Bassanio की तरफ से एक तरफ मोड़ लिया ताकि Bassanio को उसके आंसू ना दिखाई दे सकें.
After that, they leave the place in search of Antonio in order to make his mind light with some delight. इसके पश्चात सालारिनो और सोलानियो दोनों उस जगह को छोड़ के एंटोनियो की तरफ जाने लग जाते हैं, एंटोनियो की तलाश में चल पड़ते हैं ताकि वो एंटोनियो को मिले और उसके दिमाग में जो तनाव है उसको हल्का कर सके. Now I have come to Act 2, Scene 9. अब हम Act 2 और Scene 9 पे आ जाते हैं, The Merchant of Venice के. The scene 9 of the Act 2 opens in Portia's mansion in Belmont. Act 2 का scene 9 Portia के महल में खुलता है, उसके बंगले में खुलता है, मैंशन में खुलता है, Belmont शहर में. Portia is informed that the Prince of Aragon has reached to try his luck in choosing the right casket. Portia को ये सूचना दे दी जाती है कि Prince of Aragon पहुंच चुका है और सही कास्केट को सिलेक्ट करके अपने भाग्य को आजमाने के लिए Belmont पहुंच चुका है. Portia takes him to the room where caskets are placed और Portia उसे अब उस रूम में ले जाती है जहाँ पे कास्केट रखे हुए हैं. इससे पहले कुछ बातचीत होती है और हमने उस बातचीत को छोड़ा है इसमें क्योंकि समरी है. She also explains to him the conditions laid down by her father और Portia ने उन शर्तों को भी पढ़ा उसके लिए जो शर्तें उसके फादर ने फिक्स की थी, लगाई थी. He has to abide by those rules और Portia ने साफ शब्दों में Prince of Aragon को कहा कि तुम्हें वो शर्तें माननी पड़ेंगी. यहाँ टेक्स्ट की कुछ लाइन ली है हमने. But if you fail without more speech, my lord, you must be gone from hence immediately. कहती हैं कि अगर तुम फेल हो जाते हो अपने कार्य में राइट कास्केट चूज करने में तो तुम्हें बिना कुछ कहे इस जगह को शीघ्र ही छोड़ देनी होगी. द प्रिंस ऑफ Aragon promises that he will abide by the conditions sincerely. Prince of Aragon वादा करता है Portia से कि वो सभी conditions को निष्ठा से sincerely abide by करेगा, मानेगा. After that he starts reading the words written on the caskets. फिर वो एक एक casket के पास जाता है और उन caskets के ऊपर जो कुछ शब्द खुदे हुए थे उनको पढ़ता है. He comments on the sentence, who chooseth me must give and hazard all he hath written on the lead casket. सबसे पहले वो lead casket के ऊपर जो शब्द खुदे हुए थे उनको पढ़ता है. शब्द ये थे, who chooseth me must give and hazard all he hath. जो मुझे चुनेगा उसे सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा जो कुछ उसके पास है. He scorns at the ugliness of the casket made of lead and moves on to the casket made of gold. और ये सब सुन के कि उसे सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है तो लेड कास्केट की तरफ उसने अपना मुंह बनाते हुए देखा, उसके भद्देपन का अपने मन ही मन में मजाक उड़ाया और बढ़ जाता है अब सोने के कास्केट की तरफ, डिब्बे की तरफ. रीडिंग द वर्ड्स, ये शब्द पढ़ते हुए, हु चूजथ मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर, कि जो मुझे चूज करेगा, सिलेक्ट करेगा, मुझे चुनेगा उसे बहुत ही गेन होगा, वह सब उसे मिल जाएगा जिसकी सभी लोग डिजायर करते हैं, कामना करते हैं. फिर वो क्वेश्चन करता है कि लोग क्या डिजायर करते हैं, क्या इच्छा करते हैं. मैनी मैन मे बी अ क्राउड ऑफ फूल्स हु आर इजीली अट्रैक्टेड बाय द आउटवर्ड चार्म्स एंड देयर फाउंड आई डस नॉट प्राई द इंटीरियर लाइक द मार्टलेट बर्ड. फिर वो प्रिंस ऑफ Aragon डीप थॉट में चला जाता है, उन शब्दों का मीनिंग निकालने लग जाता है. कहता है कि लोग क्या डिजायर करते हैं, एक भीड़ की डिजायर्स भी तो गलत हो सकती हैं. एक क्राउड ऑफ फूल्स, मान लो बेवकूफों की भीड़ है तो उनकी डिजायर तो गलत भी हो सकती है. बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं बेवकूफों की तरह, वो बाहर की चाम, बाहर के आकर्षण से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं और उनकी जो शौकीन आँख है, जो बाहर की दुनिया, बाहर की चमक दमक से प्रभावित होती है, वो वस्तुओं की या व्यक्तियों के जो अंदर है, इंटीरियर है, जो आंतरिक दुनिया है उसको नहीं समझती, जो डीप मीनिंग होते हैं उसको नहीं अंडरस्टैंड करती. जैसे कि मार्टलेट बर्ड होता है, ये पक्षी होता है, उसका एग्जाम्पल देता है वो. Builds in a weather on the outward wall, even in the force and road of casualty. I'll not choose what men, because I will not jump with common spirits. तो ये lines important हो सकती हैं comprehension passage के लिए, reference to the context के लिए, कि martlet bird को पता नहीं होता, अपनी safety का ज्ञान नहीं होता, उसे ना तो weather का ज्ञान होता है, मौसम का ज्ञान होता है कि आंधी तूफान भी आ सकते हैं और कहीं पे भी दीवार पे वो अपना घोंसला बना लेता है. और
रोड पे कैजुअलिटी होती है इतनी, तो बाहर कहीं खुले में ही अपना घोंसला बना लेता है। फिर कहता है कि मैं कॉमन मैन की तरह चूज नहीं करूंगा और आई विल नॉट जंप विद कॉमन स्पिरिट्स, आम आदमी जैसी मेरी भावनाएं नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल एकदम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करूंगा। सो ही रिजेक्ट्स द गोल्ड कास्केट बिकॉज ही थिंक्स दैट डिसीजंस मेड बाई कॉमन पीपल आर नॉट ऑफन रीजनेबल, इसलिए वो सोने के कास्केट को भी छोड़ देता है। तर्क यह दिया कि आम आदमी के जो कंक्लूजन होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो बहुत बार रीजनेबल नहीं होते, तर्क संगत नहीं होते। देन ही टर्न्स हिज आईज ऑन द बॉक्स मेड अप ऑफ सिल्वर, फिर वो चांदी के बने बॉक्स की तरफ अपनी आंखें घुमाता है और बोलता है, टेल मी वंस मोर व्हाट लिटिल दाउ डस्ट बेयर हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। फिर चांदी के बॉक्स को कहता है कि मुझे बताइए कि तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था कि जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जिसकी वो डिजर्व करता है, जिसकी वो योग्यता रखता है। देन ही रीजन्स विद हिमसेल्फ दैट नो वन इन द वर्ल्ड कैन गेट पोजिशन एंड रिस्पेक्ट विदाउट हैविंग इनर मेरिट, और फिर कहता है कि दुनिया में उसके मेरिट के अनुसार ही इज्जत मिलती है, मेरिट के अनुसार ही, योग्यता के अनुसार ही उसको दुनिया में स्थान मिलता है। आफ्टर गिविंग लॉजिक अपॉन लॉजिक द प्रिंस ऑफ एरागोन चूजेज द सिल्वर कास्केट, फिर अपने ऊपर इस बात को लगाता है कि मैं बलशाली हूँ और मेरा इतना रुतबा है दुनिया में, मेरे में मेरिट होंगे तभी ये स्थान मिला, तो वो तर्क पे तर्क दे के इस कास्केट को खोलने का निर्णय कर लेता है। द की इज गिवन टू हिम एंड ही अनलॉक्स द कास्केट, चाबी मांगता है, चाबी उसको मिल जाती है तो सिल्वर कास्केट को खोल लेता है। बट ही रिसीव्स ए रूड शॉक टू फाइंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट विद ए स्क्रॉल ऑफ ए पेपर विद सम वर्ड्स, परंतु जैसे ही उसको देखता है तो उसको एक जोरदार झटका लगता है क्योंकि अंदर पोर्शिया की तस्वीर नहीं थी बल्कि एक बेवकूफ की पोर्ट्रेट थी जिसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी, टिमटिमा रही थी, और उसमें एक स्क्रोल ऑफ पेपर भी रखा हुआ था जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे। ही रीड्स दैट देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु रन आफ्टर शैडोज एंड श्योरली दे गेट सम हैप्पीनेस दैट इज आल्सो ऑफ द शैडोवी टाइप एंड ट्रांजिटरी इन नेचर, कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परछाइयों के पीछे भागते हैं और खुशी की तलाश करते हैं, और जो शैडोवी टाइप हैप्पीनेस होती है, जो कोई भी खुशी होती है जो बाहरी होती है, वो ट्रांजिटरी होती है, क्षणिक होती है, बाहर के आवरण से प्रभावित होकर, बाहर के आकर्षण से प्रभावित होकर जो भी खुशी प्राप्त होती है वो चिरस्थायी नहीं होती, वो कुछ समय के लिए होती है। वी मे फाइंड सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु वेयर ए गार्ब ऑफ विजडम ऑन देमसेल्व्स इन द वे द बॉक्स हैज ए सिल्वर कोटिंग ऑन इट, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि दुनिया में बहुत से लोग अपने चेहरे पे बुद्धिमता का एक मुखौटा पहन के रखते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान है, जैसे सिल्वर कास्केट था जो प्योर सिल्वर का नहीं बना हुआ था बल्कि उस पे कोटिंग थी सिल्वर की, हाथी के दांत दिखाने के कुछ थे और खाने के कुछ थे। इन रियलिटी सच पीपल आर नॉट वाइज एंड द बॉक्स इज आल्सो कम्प्लीटली नॉट मेड अप ऑफ सिल्वर, और इस तरह से ऐसे लोग पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होते, जैसे कि चांदी का ये बॉक्स था ये प्योरली चांदी का नहीं था। Thus he decides to leave the place not to appear more fool I shall appear by the time I linger here with one fool's head I came to woo but I go with two sweet adieu I'll keep my oath patiently to hear my wrath। फिर वो कुछ लाइनें बोलता है जैसे कि ये लिखी हुई है, मोर फूल आई शैल अपियर, अगर मैं अधिक समय तक यहाँ टीका लिंगरोन किया, मैंने मंडराता रहा, घूमता रहा यहीं, तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। फिर अलविदा कह के वो चल पड़ता है और अपने गुस्से को पेशेंटली सहन करने का स्वयं से वादा करता हुआ आगे बढ़ जाता है। देन ही बिड्स स्वीट अड्यू टू पोर्सिया एंड प्रॉमिसेस टू कीप हिज ओथ एंड बियर हिज रॉथ पेशेंटली, फिर वो पोर्सिया को अलविदा कहता है और वादा करता है कि अपने गुस्से को वो पेशेंटली सहन करेगा। आफ्टर दैट पोर्सिया एंड नेरिसा टॉक्स अ लिटल मोर अबाउट द प्रिंस ऑफ एरागोन एंड आफ्टर सम टाइम ए सर्वेंट एंटर्स देयर to inform Portia that a young man of Venice had just alighted from his horse at the gate of her mansion.
और फिर पोर्शिया और नेरिसा प्रिंस ऑफ एरागोन के बारे में कुछ बातें करते हैं और कुछ समय के पश्चात एक सेवक प्रवेश करता है और पोर्शिया को इन्फॉर्म करता है कि कोई नौजवान व्यक्ति वेनिस से आया है, अपने घोड़े से अभी अभी मैंशन के गेट पे उतरा है, आपके बंगले के गेट पर अभी अपने घोड़े से उतरा है। He has brought richly gifts for her. He keeps on appreciating and then he is stopped by Portia. और प्रशंसा किए जा रहा था उस व्यक्ति की, उसका सेवक, और कहता है कि बहुत से कीमती उपहार भी लाया है। इसके पश्चात पोर्शिया उसे अधिक प्रशंसा करने से रोक देती है। आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम गो आउट टू सी दैट मैसेंजर ऑफ क्यूपिड। इसके पश्चात वो दोनों नेरिसा और पोर्शिया चल पड़ती हैं इस क्यूपिड के मैसेंजर को देखने के लिए। क्यूपिड प्यार का देवता होता है, उसके संदेश वाहक को देखने के लिए चल पड़ती है। नेरिसा प्रेज टू क्यूपिड दैट ही शुड बी बसेनियो। नेरिसा मन ही मन में ये प्रार्थना करती है प्यार के देवता से कि वो बसेनियो होना चाहिए। And in this way, this video lecture 7 ends up here. I shall come up with summary of the Act 3, Scene 1 and several other scenes. Till then, have a nice day. Thank you. Thank you very much.